हेलो एवरीवन, दिन की शुरुआत करते हैं। और फाइनली आज मैं बहुत दिनों बाद जो है वो जा रही हूँ दशहरा देखने के लिए। फाइनली तो दिन की शुरुआत करते हैं गर्म पानी के साथ। और यहाँ पे मैं अपनी बाजुओं का बल दिखाते हुए जैम की बॉटल खोल रही हूँ। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी सील अभी पैक्ड है, तो फिर इसकी सील खोली और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया ब्रेड जैम और साथ में ली चाय। बस इतना ही, आज कुछ नहीं देखा, ना कोई सीरीज़ देखी ना कुछ, बस शांति से बैठे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक पीआर रिसीव हुआ जो कि था विवेल कंपनी की तरफ से, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम लग्जरी वाला जो होता है ना, उस टाइप का था। एंड देन आई हैड माई लंच। लंच में आलू गाजर की सब्ज़ी, रोटी एंड दही विथ चाट मसाला, बस इतना सही। और फिर उसके बाद मुझे इस पीआर की जो है एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो यार आज टाइम है तो बना ही देते हैं। वरुष्का सोई रही थी, तो उसके बाद मैंने शूट किया अपने आप से, पूरा सब कुछ सेटअप करना, शूट करना। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एक्चुअली आया क्या था इसमें। तो इसमें जो है विवेल की नई एक वेद विद्या करके रेंज स्टार्ट हुई है, विच इज़ एन आयुर्वेदिक रेंज। तो इसमें सारे आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, तो उन्होंने वो भेजे थे। साथ में एक ऑयल डिस्पेंसर था, तीन ऑयल थे एंड देन अ सेट ऑफ कैंडल, सिक्स कैंडल्स थी। मैंने कॉन्टैक्ट लेंस डाले हैं और मेरी एक आंख में हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हूँ तो एक आंख से पानी आता रहेगा। 10-15 मिनट लगते हैं मुझे सेट करने में कॉन्टैक्ट लेंसेज को, मतलब पहनने में नहीं, सेट होने में आंखों में। एक आंख में मुझे कोई इशू नहीं रहता और हमेशा लेफ्ट आई से मैक्सिमम 90% मेरी इसी आंख से पानी आता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो फॉर माई इंस्टाग्राम। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम शीतल बारा तोमर, दैट्स माई इंस्टाग्राम आई डी। और अभी जो है वट आई एम गोइंग टू डू इज, बताया मैंने कि मैं एक वीडियो शूट करूँगी एंड दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग, ए लेवेंडर कलर का क्रॉप। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक ऑफ मेकअप। और अभी मुझे वीडियो शूट करनी है, एक पी आर की, मतलब रील बनानी है, वीडियो नहीं, एक्चुअली रील बनानी फॉर इंस्टाग्राम। एंड लेट्स गो एंड शूट आवर रील। और उसके साथ साथ मैं एक दो रील और बनाऊँगी इसी लुक में। और उठ जो, 7 बज गए, उठ। एंड फाइनली शूट होने के बाद यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने अपने चीकू को भी रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैं अपने पूरा जो है दिखाते हुए गेट रेडी विद मी टाइप का, कि भाई मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये लास्ट ईयर का करवा चौथ का सूट है जो मैंने पहना हुआ है। नीचे पिंकिश कलर में मैंने जूती पहनी है, विच इज़ मल्टी कलर्ड सॉर्ट ऑफ टाइप जूती, जिसमें मल्टी कलर्ड पर्ल वर्क हो रखा है, उस टाइप की जूती है। और फिर इसकी चुन्नी बहुत लंबी है, सो आई थॉट कि मैं इसको अच्छे से दोनों शोल्डर पर लेती हूँ। बाल मैंने टाई किए हुए हैं क्योंकि जाए भाड़ में, भाई वहाँ बहुत गर्मी होने वाली है, बहुत भीड़ होने वाली है, तो सबसे पहले अपने बाल वाल बांधो, ठीक है, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बालों का एक बन बना के ऊपर ऐसे टाई किए हुए थे। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए और रामलीला देखने के लिए। वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, वी वेंट अराउंड एट 8:30 के करीब हम पहुँचे थे और बस झूले वूले झूले थे हमने थोड़े से। और एक जाइंट व्हील पे गए थे, एक भूत बंगला गए थे। तो फिर उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे जो है चीट डे टाइप किया, तो आई हैड एन आइसक्रीम। और उसके बाद जाइंट व्हील पे मैं अपना टर्न का वेट करते हुए, फाइनली हमारा टर्न आ गया और हम लोग जाइंट व्हील में जो है बैठे हुए हैं। एंड वी वर वेटिंग कि कब ये चले। तो मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता है झूलों में, मतलब एक दो ही झूला ऐसा है जिसमें मुझे डर नहीं लगता, थोड़ा नौजिया हो जाता है जिससे, अदरवाइज़ आई लव दीज टाइप ऑफ राइड्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हो रही थी रामलीला जो हमने नहीं देखी, तो फाइनली हम यहाँ पे हो रहा है पापा बेटे का डांस, पापड़ डांस। तो वी हैड सम पापड़, ये बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस को अच्छे लगते हैं प्लीज़ बताना। कई बार ना जैसे सड़क पे जाते हुए अगर ये ट्रैफिक लाइट पे मिल जाते हैं, मैं तब भी ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत यम लगते हैं बहुत। एंड फाइनली सिंग बाय बाय, तो यहाँ पे चलो बाय बाय बोलते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। तो वी वर डिसाइडिंग कि हम क्या खाएं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो हमने सोचा कि पास में हल्दीराम है तो हम हल्दीराम चलते हैं। एंड हमारा हो गया बहुत अच्छे वाला पोपट, कि हमें ये लगा था कि एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो वहाँ पे होंगी, फॉर एग्जांपल नूडल, राजमा राइस या कढ़ी राइस और छोले भटूरे टाइप, मतलब कुछ भी ऐसा जो बेसिक चीज़ें हैं वो होंगी, बट कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट थाली, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट गए थे। देन फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर रात के 2 बजे तक भी आपको हर चीज़ मिलती है, एंड दैट्स NSP। तो हम NSP गए और वहाँ पर हमने बढ़िया वाला चीट
मील खाया है जिसमें हमने हनी पोटैटो खाया, देन वी हैड फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, मोमोज. आई एम नॉट अ मोमो पर्सन, तो मुझे मोमोज नहीं पसंद. एंड फाइनली वी एंडेड आवर डे विद आइसक्रीम. एंड दिस वॉज इट अबाउट द व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये क्यूट सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक.